नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर फाइनली एक गुड न्यूज निकल के आ रही, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खुशी की न्यूज निकल के आ रही आप सभी लोगों के लिए। अगर जो आप इस समय गल्फ में आना चाहते हो तो काफी गुड न्यूज दिया उस कंट्री ने, बहुत ही बड़ा अपडेट दिया आप सभी के लिए। अगर जो आप इंडिया में छुट्टी के लिए गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट तो बंद है, सारी फ्लाइटें बंद होने की वजह से आप इस समय नहीं आ पा रहे हैं, वो कंट्री है यूएई। यूएई ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया, कितने तारीख तक टिकट बुकिंग शुरू होगा, पूरा डिटेल में वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर जो इस समय आप इंडिया में हो तो, मैं यूएई से जाने की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया से आने की बात कर रहा हूं, तो इस समय अगर जो आप इंडिया में छुट्टी के लिए गए हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बात करें जो वंदे भारत मिशन 4 चल रहा है इसका, तो यूएई से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, टिकट ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुका है। यूएई ने हालांकि टूरिस्ट वीजा भी अब लॉन्च कर दिया, जो कि 7 जुलाई से ही, मतलब उन्होंने पहले ही कहा था कि 7 जुलाई से हम नॉर्मल पर्यटक वीजा हो गया या विजिट वीजा हो गया, इन सबको ऑन कर दिया जाएगा। तो वो सब तो पूरी तरह से अब खोल दिए गए हैं, वो सब काम करना चालू हो चुका है। अब बात करें इंडिया में जो लोग छुट्टी के लिए गए हैं उनके लिए काफी गुड न्यूज है। जैसे मान लीजिए आप इस समय, ये जो बीमारी आया इससे पहले आप छुट्टी के लिए इंडिया में गए थे, उसके बाद क्या हुआ, ये बीमारी आई, बीमारी आने के बाद तकरीबन मार्च में सभी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई थी। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने के बाद आपका पताका भी एक्सपायर हो गया, लेबर कार्ड जो होता है वो भी एक्सपायर हो गया होगा, बहुत सारे लोगों का एक्सपायर हो गया होगा। तो यूएई ने तो साफ कहा कि मतलब 1 दिसंबर 2020 तक के अंत तक वो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, जैसे आपका आईडी खत्म हो गया। लेकिन आपको बता दें इस समय जो गुड न्यूज निकल के आ रही है वो टिकट बुकिंग को लेकर आ रही है। अगर जो आप इंडिया से यूएई में वापस आना चाहते हो तो आप टिकट का बुकिंग स्टार्ट होने वाला, जो कि काफी गुड न्यूज है। इंडियन एम्बेसी यूएई में जो है उसने शेयर किया है, जो कि इंडियन और यूएई गवर्नमेंट की बातचीत के बाद ये नया अपडेट निकल के आया। वहीं बात करें कि कितने तारीख को ये टिकट का बुकिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकट का बुकिंग कब स्टार्ट होगा। तो आपको बता दो यूएई ने इंडियन एम्बेसी जो यूएई में है उसने अपडेट जारी करते हुए कहा 12 जुलाई 2020 से ये टिकट का बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफी बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। जो आप छुट्टी के लिए गए हो इंडिया में तो वापस यूएई में अपने जॉब करने के लिए आना चाहते हो तो गुड न्यूज है उन सभी के लिए। 12 जुलाई 2020 से लेके 26 जुलाई 2020 तक ये चलेगा, मतलब 14 दिन ये टिकट की बुकिंग शुरू की जाएगी, जो कि काफी बेहतरीन है। आप सभी फटाफट रेडी रहो। हालांकि आपको बता दें इसमें कहां से आप बुक कर सकते हो, तो आपको बुक करने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, कॉल सेंटर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें रिटायर्ड टू रिटायरमेंट इन इंडिया यूएई कैन बुक, मतलब आप टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन आपको बता दें इसमें अभी ये नई डिटेल आया है, इसमें ये डिटेल नहीं आया है कि मतलब कौन सी फ्लाइट ऑपरेट करेगी, इमरात एयरलाइन हो गई या फ्लाइट दुबई हो गई, इत्याद एयरलाइन या एयर इंडिया एक्सप्रेस या इंडिको एयरलाइन, कौन सी फ्लाइट इसमें ऑपरेट करेगी, ये अपडेट अभी तक नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। अभी 12 जुलाई तो थोड़ा 2-3 दिन बाकी है, जैसे ही मतलब नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि 12 जुलाई से कोशिश करूंगा पहले ही, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने ये बयान अभी नहीं जारी किया है कि यूएई से मतलब वो इंडिया से ये फ्लाइट ऑपरेट करेगी, क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट का टिकट आप लोगे, कौन सी फ्लाइट का टिकट लोगे, ये अभी अब तक अपडेट निकल के नहीं आ रही। तो जैसे ही मतलब नई अपडेट जैसे ही आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये आपको बता दूं 12 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक के बीच में यूएई के आने के लिए टिकट का बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये डिटेल आना बाकी है कि मतलब कौन सी फ्लाइट का टिकट आप ले सकते हो, तो जैसे ही नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए जो अपना जॉब छोड़ के, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गया छुट्टी के लिए गए थे, मतलब 2-3 महीना छुट्टी के लिए गए थे, लेकिन कितना दिन हो चुका है, क्योंकि काफी भारी दिन हो चुका है ये बीमारी को आए हुए, इन सभी वजह से लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे ही नई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। नमस्कार।